सॉ, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ पेंटिंग्स के बारे में, बट आँखों को जो अच्छा लगता है बस वो बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत अच्छे, वेरी गुड आर्ट पीसेज एंड आई एम रियली ग्लैड दैट पीपल आर टेकिंग टाइम ऑफ एंड कमिंग हियर फॉर अ गुड कॉज। आर्ट इज़ अ गुड कॉज इन इटसेल्फ आई थिंक, बट द हेयरिंग इम्पेयर्ड एंड इट इज़ अ गुड बूस्ट फॉर ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर एवरीबॉडी, यू नो दैट Baz Luhrmann इज डूइंग दिस एंड विंसेंट इज डूइंग दिस, सो इट्स ग्रेट। जैसे मुझे पता चला कि Baz Luhrmann जी यहाँ आ रहे हैं, मैं आ गया और यू नो जो जो दो दोस्त हैं जिनके आप काम देख सकते हैं, Heath Ledger हैं इधर, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट आई एम हियर। वाओ फैक्टर ऑलमोस्ट ऑल द पेंटिंग्स में है, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू पिक वन, बट ऑल द बेस्ट टू हूएवर इज डूइंग दिस एंड क्योंकि मुझे आर्ट का बहुत शौक है। मुझे लगता है आर्ट इज़ वन थिंग जो सबका इंडिविजुअल टेस्ट है, किसी को किस किस्म की आर्ट पसंद है, किसी को यू नो मॉडर्न, किसी को फिगरेटिव, सो बट आई थिंक आर्ट इज़ समथिंग जो जो आज इधर यहाँ पे तस्वीरें हैं, आई एम श्योर दैट इज़ गोना बी वेरी पॉपुलर टू सी हियर बिकॉज आर्ट मेक्स अ हाउस। मेरे हिसाब से सबके घर में आर्ट होनी चाहिए बिकॉज इट एड्स अ लॉट। मेरे घर में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, सो आई रियली एम वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट। लोगों की मासूमियत, ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ें जो साथ में चलती रहती हैं, और ये कि मासूमियत जहाँ भी मिले वहाँ उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल से यही बात है। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके पीछे कोई कॉज होता है, कोई रीज़न होता है, एंड आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द पीपल हु आर यू नो हियरिंग इम्पेयर्ड, सो आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन से। देखिए ऑब्वियसली कल्चर अलग है तो एक थोड़ी बहुत डिफरेंस तो रहेगी, बट यस टुडे सिनेमा इज़ बिकम वर्ल्ड सिनेमा, वहाँ की फिल्में यहाँ आ रही है, यहाँ की फिल्में वहाँ जा रही है। आज 2012 का बिजनेस 90 करोड़ का हुआ है, तो अच्छी बात है, यू नो वो हमारे फिल्म को सराहते हैं, हम उनकी फिल्म को सराहते हैं सालों से, तो बस यही है कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ यू नो द होल ग्लोबल थिंग, एवरीथिंग इज़ बिकमिंग वन, तो एक 10-15% का फ़र्क रहेगा, बट एवरीथिंग इज़ बिकमिंग ग्लोबल, तो एक अच्छी चीज़ है। सबका अलग टेस्ट होता है और अच्छी और ख़राब आर्ट मेरे मानने में नहीं होता, सबका इंडिविजुअल टेस्ट है और वो भी टेस्ट भी चेंज होते रहता है आर्ट का, जैसे आपका शायद स्वभाव चेंज होता है या आपका मूड या इमोशनल चेंज होता है तो आपकी पसंद भी चेंज होती रहती है। सो आई सी, मैं अपने आप में भी देखती हूँ ये बदलाव, व्हेन आई एम इन अ स्पेसिफिक मूड आई लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कि आपके इमोशंस के हिसाब से आपको आर्ट पसंद आती है।